सूरत में छेल्ला त्रण दिवस वरसादी माहौल जोवा मळ्यो छे। आजे पण सूरत शहर में धोधमार वरसाद वरसी रह्यो छे। हजू तो चोमासानी शुरुआत थई छे त्यां सूरत ना पूणा कुंभारिया गाम नजीक आवेला पादर फळिया में खाड़ी पूर जेवी स्थितिनुं निर्माण थयुं छे। अहीं लोकोना घरो पाणी में डूबी गया छे, जेने लईने लोकोने भारे हालाकी पड़ी रही छे। सूरत शहर ना सानिया हिमाद गाम थी लई कुंभारी पूर्ण लिंबायत सहित विस्तारों में खाड़ी पसार थई रही छे, त्यारे सूरत शहर ना उपरवास ना तालुका ने गामों में भारे वरसाद पड़वाना कारणे दर वर्षे खाड़ी पूरनी स्थिति सर्जाय छे। खाड़ी नी आसपास आवेला नीचाणवाळा विस्तारों में खाड़ी ना पाणी घरों में घुसी जाय छे, जो कि दर वर्षे अति भारे वरसाद वरसे छे त्यारे पूरनी स्थिति निर्माण पामे छे, परंतु आ वखते तो पहला वरसाद में ज खाड़ी पूरनी स्थिति सर्जाय छे। सूरतना छेवाड़ा में कुंभारिया गाम में नीचाणवाड़ा विस्तारों में खाड़ी में पाणी फरी वळ्या छे। सूरत जिला में बे दिवस थी धोधमार वरसाद पड़वाना कारणे शहर में पसार थती खाड़ी बे कांठे वही ओवरफ्लो थई रही छे, जेने लई कुंभारिया गामना पादर फळिया हरपतिवास में खाड़ी पाणी घुसी गया छे। अहीं वसवाट करता 50 जेटला घरना रहीशो पूरनी स्थितिनो सामनो करी रह्या छे। 50 25 थी 30 घरमां पाणी घुसी गया छे। कुंभारिया गामना पादर फळिया हरपतिवास में घरों में गड़ाडूब पाणी भराई गया छे। आ गाम में गत मोड़ी सांजथी खाड़ी ओवरफ्लो थया बाद पाणी घुसवाना शुरू थया हता। धीमे धीमे घरों में गड़ाडूब सुधी पाणी घुसी गया हता। अचानक पाणी फरी वळता स्थानिकोनी स्थिति खूब ज कफोड़ी बनी गई छे। घरों पानी में गरकाव थी गया था ने पानी फरी वर्ता पुताना घर सुधी जवाना रस्ता वो बंद थी गया था। काका अपनु नाम? महेश नाम छे मारु। महेश भाई अपने हमणा सेनु पानी भरायु छे? पानी अत्यारे काले 3 दिवस 2 दिवस थी पानी फूल भरायलु छे। अत्यारे बधा रहेवा माटे कोई स्कूल मां छे, कोई वाड़ी मां छे, अत्यारे कोई रहेवा माटे कोई व्यवस्था छे नहीं। एसएमसी वाळा कोई साफ सफाई कोई करवा माटे कोई राजी नथी। बराबर पानीनो कोई निकाल नथी। અત્યારે જે એસએમસી વાળા જે કામ કરે છે અમારા માટે ગરીબો માટે નથી કરતા, મોટા લોકો માટે કામ કરે છે। અત્યારે વોટિંગ લેવું હોય તો અમારા માટે અમારી પાસે આવો છો તમે, જે મોટા લોકો પાસે નથી જતા। તમે કેટલા ઘરો ડૂબી ગયા? અમારા લગભગ 45 ઘરની આવક છે બધી। કેટલા કેટલા પાણી ભરાઈ ગયા? કેટલા આખું મકાન પેક થઈ ગયા છે। 20-22 ફૂટ પાણી છે। આપનું નામ? મારું નામ કેતનભાઈ ભરતભાઈ રાઠોડ। કેતનભાઈ ક્યાં રહેવાનું છે, કઈ રીતના પાણી ભરાઈ ગયા છે ઘરમાં અને કેવી તકલીફ પડી રહી છે? કુંભારિયા ગામ પાદર ફળિયું ને તકલીફ તો ઘણી પડે છે, પણ ઘણા સમયથી આનો કોઈ નિકાલ પણ નથી પાણીનો। દર ચોમાસે કેમ આ રીતની તકલીફ પડે છે? એમનો પાણીનો નિકાલ, પાણીનો નીકળવાનો કોઈ રસ્તો જ નથી એટલા માટે। ઘરમાં કેટલા ઘરો છે, કેટલા પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે? અહીંયા કમસે કમ 50-50 ઘર છે, એમાં 25 ઘરમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે। એ લોકો હવે રહેવા કરવાનું શું તકલીફ પડશે? રહેવા ખાવાનું તો એ લોકોની પોતપોતાની જગ્યા જ્યાં મળે ત્યાં રહે છે એ લોકો હમણાં। આ પાણી શેનું છે, એટલે ખાડીનું કઈ રીતનું છે? ખાડીનું નહીં, વરસાદનું જ પાણી છે, પણ ખાડીમાંથી અંડરગ્રાઉન્ડમાં આવે છે।